गुड मॉर्निंग। गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप तमाम विद्यार्थियों का संस्थान तहे दिल से स्वागत करती है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रमुख अध्याय हम लोगों ने शुरू किया था। मॉडर्न हिस्ट्री के एक प्रमुख अध्याय की ओर हम लोग चल रहे थे। गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन शुरुआत की थी। छात्रगण ध्यान देंगे, महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था वह कई आंदोलनों के दौर से आप गुजरते हुए आपने देखा है। चाहे वह चंपारण सत्याग्रह हो छात्रगण, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो, और अब जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा आंदोलन है छात्रगण, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो छात्रगण ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं का परिचय आपने जाना था कि किस प्रकार से यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हो गया। छात्रगण अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर इस आंदोलन के तहत सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इस आंदोलन को नेतृत्वहीन बना दिया। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को पूना के आगा खां महल में तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बेऊर जेल में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में जो कि झारखंड में है, और हमारे महान अन्य कांग्रेसी नेताओं को महाराष्ट्र के अहमदनगर के दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था। छात्रगण ये आपने विगत कक्षाओं में जाना था। आज हम लोग जानेंगे छात्रगण भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां, क्या क्या हुआ था इस आंदोलन में, क्या गतिविधियां हुई थी इस आंदोलन में, कैसे जनता ने काम किया था, किस प्रकार से जो है नेतृत्वहीन होते हुए भी आम जनमानस ने शानदार नेतृत्व करते हुए आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। आज इसी पर हम लोगों की पैनी निगाहें होंगी छात्रगण, और आज इतिहास विषय को और भी रोचक बनाते हुए, और भी मजेदार बनाते हुए, और भी इंटरेस्टिंग बनाते हुए आज हम लोग इस ज्ञान के महासागर में डुबकियां लगाएंगे, गोते लगाएंगे। छात्रगण हेडिंग बनाएगा अपने नोट्स कॉपी पर, आंदोलन की गतिविधियां। क्या हेडिंग बनेगा छात्रगण आपका, आंदोलन की गतिविधियां, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की क्या गतिविधियां थी इसे आज हम लोग जानेंगे। लिखिएगा छात्रगण, हेडिंग बन गया आपका लाल कलम या हरा कलम से, हाँ अब लिखिएगा तीर का निशान। इस आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान में, उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान में चित्तू पांडे चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार बनी थी। चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार बनी थी छात्रगण पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर सबसे पहली बार समानांतर सरकार बनी थी, तो आपको लगाना होगा उत्तर प्रदेश के बलिया में। किस राज्य में बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। कहां पर बनी थी, बलिया में। छात्रगण आपको जानकर यह खुशी होगी और आश्चर्य भी कि बलिया से ही मंगल पांडे भी थे जो कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे छात्रगण, और उत्तर प्रदेश के बलिया से ही चित्तू पांडे भी थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी सरकार को चुनौती देते हुए अंग्रेजी सरकार के पैरलर में एक सरकार खड़ी कर दी थी जिसे प्रथम समानांतर सरकार भी कहा जाता है। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रगण बताइए प्रथम समानांतर सरकार कहां स्थापित की गई थी, है ना, बहुत सही जवाब आपने दिया, बलिया में। किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी छात्रगण, चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की गई थी बलिया में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की गई थी छात्रगण, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखें।
बहुत ही पैनी निगाहें मैं चाहता हूं, एक एक चीजों को स्मरण करना आपके लिए निहायत ही जरूरी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे शतगण, नंबर दो, महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल, महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल पाटिल के नेतृत्व में सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार, सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार बनी थी। हो गया कंप्लीट छात्रगण? वेरी गुड छात्रगण, ध्यान देंगे। पूछेगा महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी अवधि की, इट वॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, गौर करेंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार बनी थी नाना पाटिल के नेतृत्व में, कहां पर? महाराष्ट्र के सतारा में। छात्रगण, सतारा वही स्थान है जिसे लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रणाली का प्रथम शिकार बनाया था 1848 में, है ना छात्रगण? गोद निषेध प्रणाली का प्रथम शिकार लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को बनाया था? सतारा को बनाया था। हॉप नीति का प्रथम शिकार किस राज्य को बनाया था? सतारा को बनाया था। किस वर्ष बनाया था? 1848 में बनाया था। तो ये देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है ना, फिर से वो चीजें आती हैं, वो घटनाएं जो पहले से घटित हुई हुई हैं, फिर से उन जगहों की चर्चाएं फिर से आती हैं, तो आपको उसे याद रखना होगा कि हाँ, सतारा तो मैंने पहले भी पढ़ा था, सतारा को तो मैं याद रख चुका हूं। तो सतारा कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र का एक जिला है वर्तमान में, लेकिन 1848 में यह एक राज्य था, है ना, और इसे किसने हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था छात्रगण, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा गोद निषेध प्रणाली का प्रथम शिकार किस राज्य को बनाया गया था? सतारा को। किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किस वर्ष बनाया था? 1848 में बनाया था। छात्रगण, इस पर भी आपकी पैनी निगाह है, मैं चाहता हूं ध्यान रखिएगा। पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार कहां पर चली थी? ऑप्शन में देगा बलिया, दूसरा ऑप्शन में देगा सतारा, तीसरा ऑप्शन में देगा लखनऊ, चौथा ऑप्शन में देगा कानपुर। क्या लगाइएगा छात्रगण? जवाब दें सतारा, है ना। नंबर दो को आपको रंग देना है, बलिया में तो प्रथम समानांतर सरकार बनी, अंग्रेजी सरकार को हटाकर चित्तू पांडे ने बलिया पर कब्जा कर लिया, अपनी सरकार स्थापित कर ली, लेकिन ये लंबी अवधि तक नहीं चल पाई छात्रगण। लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में जो सरकार थी छात्रगण, वो सबसे लंबी अवधि तक चली थी। इसलिए शानदार और जानदार क्वेश्चन को याद रखेंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत, यही प्रतियोगिता परीक्षाओं का नियम होता है। क्वेश्चन ट्विस्ट होंगे, क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाएंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है छात्रगण, आपको अपने स्थान पर स्थिर होकर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ जवाब देना है। इसे ही आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी आपको अध्ययन करना होगा। तो छात्रगण, दो प्रकार के सवाल आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला सवाल आएगा छात्रगण कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समानांतर सरकार कहां स्थापित की गई? तो आपको लगाना है राम इज ए गुड बाय टाइप, बलिया। किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, है ना छात्रगण, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा सवाल पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार कहां स्थापित की गई? तब आपका आंसर बदल जाएगा छात्रगण, वो होगा सतारा। किसके नेतृत्व में? नाना पाटिल के नेतृत्व में छात्रगण, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार कहां छात्रगण बताइए? सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में, ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपको रखनी होगी।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। जिसकी प्रथम महिला उद्घोषिका उषा मेहता थी। प्रथम महिला उद्घोषिका उषा मेहता थी। छगन क्या सवाल आएंगे, गौर करेंगे, पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की गई है। सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार नाना पाटिल के नेतृत्व में स्थापित की गई सतारा में। लेकिन एक और भी बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी छतगन, कांग्रेस ने पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत की लोगों को जागृत करने के लिए, इस आंदोलन के लिए। छतगन पूछेगा कांग्रेस ने पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस आंदोलन में की थी, तो आप क्या लगाइएगा छतगन, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस ने पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम रेडियो प्रसारण के प्रथम महिला उद्घोषिका या प्रथम उद्घोषिका का क्या नाम था, तो उषा मेहता नाम था। ये अनाउंसर थी जिसे आपको ध्यान रखना है। तो कांग्रेस का प्रथम रेडियो प्रसारण याद रखेंगे ना छात्रगण, आप उषा मेहता को भी याद रखेंगे ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसलिए छतगन एक एक चीजों पर पैदी निगाह रखें, एक एक चीजों को गौर करें, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को स्मरण करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस पर आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, इस पर मनन करना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण अध्ययन करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आएंगे छात्रगण, लिखिए अगला पॉइंट, लिखेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने पांच साथियों के साथ जेल से निकल भागने में सफल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, इन पांच साथियों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 लिखेंगे छतगन, शालिग्राम सिंह। नंबर 2 सूर्य नारायण सिंह। नंबर 3 गुलाबी सोनार। नंबर 4 योगेंद्र शुक्ल। नंबर 5 रामानंद मिश्र। ध्यान देंगे छतगण,
है ना, शालिग्राम सिंह, सूर्य नारायण सिंह, गुलाबी सोनार, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, इन पांच साथियों के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी हजारीबाग केंद्रीय कारागृह से पलायन कर गए थे 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात यह घटना घटी थी छतगन, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे तीर का निशान, फिर मैं समझाऊंगा इसे। लिखे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय प्रसिद्धि, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय प्रसिद्धि एवं पहचान, राष्ट्रीय प्रसिद्धि एवं पहचान भारत छोड़ो आंदोलन से ही मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन से ही मिली थी राष्ट्रीय प्रसिद्धि एवं पहचान भारत छोड़ो आंदोलन से ही मिली थी। नेक्स्ट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के रामविलास जंगल में, चले गए तथा इन्होंने आजाद दस्ता नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन, आजाद दस्ता नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था, कंटिन्यू छतगन, यह संगठन छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाता था, छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाता था। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। पूछेगा किस आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पहचान मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी, एक विशिष्ट पहचान मिला था। छतगन, कौन सा आंदोलन था ये? भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा आंदोलन था छतगन? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। पूछेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने पांच साथियों के साथ किस जेल से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भागने में सफल रहे थे? तो यह जेल झारखंड का जेल था छतगन, हजारीबाग सेंट्रल जेल। ध्यान रखिएगा छतगन, 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात जब पूरा जेल प्रशासन ढोल नगाड़े बज रहे थे, लक्ष्मी माता की आरती हो रही थी, ऐसे में जेल की 18 फुट ऊंची दीवार को धोतियों के सहारे फांद कर अपने पांच साथियों के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस जेल से निकल भागे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में छतगन धूल झोंक दिया। सोच लीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था ब्रिटिश सरकार के शासन और सुरक्षा में, लेकिन इन लोगों ने सुराख कर दिया। ऐसे थे हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। छतगन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन पांच साथियों के साथ निकल भागे थे उनके भी नाम याद रखने हैं आपको, जो कि आपके बोर्ड में मौजूद हैं, शालिग्राम सिंह, सूर्य नारायण सिंह, गुलाबी सोनार, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र। छतगन पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारागृह से कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 की रात। उस दिन कौन सा पर्व था? दिवाली का पर्व था। 9 नवंबर 1942 की रात लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने पांच साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे।
छतगन पूछेगा आपसे 9 नवंबर 1942 की रात लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से निकल भागने में सफल रहे थे। सवाल आएंगे कि कौन सा साथी लोकनायक के साथ इस घटना में शामिल नहीं थे। ऑप्शन में देगा शालिग्राम सिंह, दूसरा ऑप्शन में देगा गुलाबी सोनार, तीसरा ऑप्शन में देगा योगेंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन में देगा बाबू राम नारायण सिंह। तो क्या इस लिस्ट में कहीं है छात्रगण बाबू राम नारायण सिंह जी, कहीं नाम आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो अब क्या आंसर लगाना होगा कि बाबू राम नारायण सिंह नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छात्रगण, ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे? जब तक आप नहीं जानेंगे इन 5ों के नाम, तब तक आपसे सवाल बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए आपको 5ों के नाम जानने होंगे कि कौन कौन वो व्यक्ति थे जिनके साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे। छतगन ये सवाल आपको सब जगह काम आएंगे, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, टीचर हो, सीटेट हो, जेटेट हो, हर एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छतगन पूछेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर कहां चले गए? तो छतगन ये लोग नेपाल चले गए, है ना, अपने साथियों के साथ कहां चले गए? नेपाल। वहां पर कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाया था जो गुप्त रूप से काम करता था? आजाद दस्ता। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नेपाल जाकर कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाया था? आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। यह क्रांतिकारी संगठन किस पद्धति पर काम करता था? तो गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली के अनुसार काम करता था। छतगन आपको मालूम है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी भी गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली का ही प्रयोग करते थे, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी छतगन गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली का भी प्रयोग करते थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी आपको स्मरण करना होगा। तो छतगन 9 नवंबर 1942 को ना भूलें, दिवाली की रात ना भूलें, हजारीबाग सेंट्रल जेल से इन क्रांतिकारियों का, इन स्वतंत्रता सेनानियों का पलायन ना भूलें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ जो 5 साथी थे उनके नाम को ना भूलें, साथ ही साथ नेपाल चले गए, नेपाल में क्रांतिकारी संगठन गुरिल्ला युद्ध प्रणाली पर आधारित, छापामार युद्ध प्रणाली पर आधारित आजाद दस्ता का निर्माण किया। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बेशकीमती संजीवनी बूटी रामबाण का काम करेंगे छतगन, इसलिए आपको इसे ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, और एक चीजों को याद रखना होगा, रटे रटे और रटे, इतना रटे कि आप एकदम पढ़ाई के प्रति जुनूनी हो जाएं, दीवाने हो जाएं, और पढ़ाई के प्रति आपका जुनून देखते ही बने, ऐसा आपकी तैयारी होनी चाहिए छतगन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें छतगन, लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान में, मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय सरकार कहा था। जानेंगे छात्रगण क्या सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। पूछेगा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के
किस स्थान में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो तामलुक नामक स्थान में स्थापित की गई थी। इस सरकार को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? राष्ट्रीय सरकार कहा था। ये क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस सरकार के बारे में भी आपको जानना है। राष्ट्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान में यह सरकार स्थापित की गई थी छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, उड़ीसा के तलचर उड़ीसा के तलचर नामक स्थान में समानांतर सरकार स्थापित की गई। पूछेगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सतारा में, बलिया में, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में सरकारें स्थापित की गई। समानांतर सरकार उड़ीसा के किस स्थान में स्थापित की गई थी छात्रगण? तलचर में, है ना, तलचर, याद रखिएगा नाम को, तलचर में स्थापित की गई थी समानांतर सरकार। उड़ीसा के तलचर में स्थापित की गई थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट छात्रगण लिखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। सवाल समझेंगे क्या आएंगे, पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की उपमा दी थी, उपाधि दी थी, संज्ञा दी थी? छात्रगण आपका जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, यह आंदोलन अहिंसक गुरिल्ला युद्ध है ना, और इसे यह उपमा दी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसे भी आपको ध्यान देना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रगण, है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा था छात्रगण? अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है ना विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अगले पॉइंट पर प्रवेश करें, लिखे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई स्थानों में हिंसक घटनाएं घट रही थी जिसके कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। महात्मा गांधी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण, इस आरोप से दुखी होकर महात्मा गांधी ने
पूना के आगा खां महल में, पूना के आगा खां महल में 21 दिनों का, 21 दिनों का उपवास किया था, 21 दिनों का उपवास किया था। छद्म ध्यान दीजिएगा, पूछेगा महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास किस आंदोलन के दौरान किया था, तो क्या जवाब देंगे छात्रगण? भारत छोड़ो आंदोलन। कहां पर किया था? पूना के आगा खां महल में, जहां वो नजरबंद किए गए थे कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ। फिर पूछेगा आपसे छात्रगण, तैयार रहिएगा प्रश्नों की बौछार, लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ध्यान देंगे। छात्रगण पूछेगा सवाल, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के आगा खां महल में कितने दिनों का उपवास किया था? तो आपको लगाना होगा 21 दिनों का उपवास किया था, 21 डेज का उपवास किया था, ध्यान रखिएगा। फिर पूछेगा, हायर एग्जामिनेशंस की ओर जब जाएंगे आप, तो पूछेगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के आगा खां महल में 21 दिनों का उपवास किया था, यह उपवास उन्होंने क्यों किया था, क्या कारण थे कि उन्होंने यह उपवास किया था, क्या कारण थे कि यह उपवास उनके द्वारा किया गया था? छद्म कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर सीधा आरोप लगा दिया कि आपने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में उपस्थित जनसमूह को और भारतवासी को एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई, और यही कारण है कि आपके उसी नारे को भारतवासी फॉलो कर रहे हैं और चारों ओर हिंसा का माहौल है, लकड़ी की ट्रेन की पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, है ना, बिजली के खंभे उखाड़े जा रहे हैं, अंग्रेजी कार्यालयों में बम फेंके जा रहे हैं, और फिर भी आप मौन हैं, बाबा क्या कारण है, है ना। तो छद्म गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्हें यह आरोप बहुत ही व्यथित कर गया, दुखी कर गया, उनका जो है मन व्यथित हो गया। छद्म इसी दुखी मन से इस गलत आरोप को उन्होंने अस्वीकार करते हुए कितने दिनों का उपवास किया था? 21 दिनों का उपवास किया था। इसे भी छद्म आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट छद्म, तीर का निशान या नंबरिंग जैसा आपका चल रहा हो, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में बंबई के लाखों मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी थी। बंबई के लाखों मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी थी। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में किस शहर के मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी थी? तो बंबई शहर के मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी थी। छद्म यह भी ध्यान में रखिएगा, यह भी मनन कीजिएगा, यह भी अध्ययन कीजिएगा, बंबई के मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल कर दी थी, इस पर भी आपके पहले निगाहें रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। तो किस स्थान के मजदूरों ने सामूहिक हड़ताल की थी? तो बंबई के, है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है, और ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, आपको इस पर ध्यान केंद्रित रखना होगा, आपको इस पर मनन करना होगा, आपको एक एक चीजों का छद्म स्मरण करना होगा, आपको एक एक चीजों को याद रखना होगा, आपको एक एक चीजों को गौर करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। छद्म ध्यान देंगे, महात्मा गांधी द्वारा 21 दिनों का उपवास भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो किया गया था पूना के आगा खां महल में, छद्म यहीं पर एक दुखद घटना भी घटी थी, है ना, जिसके अब हम लोग जानेंगे, पहले लिखने की कार्रवाई हो जाए फिर हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी एवं महात्मा गांधी गांधी के निजी सचिव महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया। महादेव देसाई का निधन हो गया। महादेव देसाई का निधन हो गया हो गया क्या। गांधी जी ने महादेव देसाई के स्थान पर गांधी जी ने महादेव देसाई के स्थान पर प्यारे लाल को अपना निजी सचिव बनाया था। प्यारे लाल को अपना निजी सचिव बनाया था। छतगन महात्मा गांधी का कदम से कदम मिलाकर साथ देने वाली, महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत के सभी जन आंदोलनों में एक सहभागिता की भूमिका का निर्वहन करने वाली उनकी अर्धांगिनी, उनकी बहुत ही पुण्यात्मा और पूजनीय महिला कस्तूरबा गांधी का निधन गांधी जी को अंदर से तोड़ गया छतगन। क्योंकि कस्तूरबा गांधी एक ऐसी सहृदयी महिला थी जिन्होंने गांधी जी का साथ कदम से कदम तक दिया। हर जगह सुख दुख में इनके साथ कदम से कदम मिलाकर, आंदोलन हो, जेल हो, काल कोठरी हो, अंग्रेजों के प्रहार हो, हर चीज को झेला और एक सही धर्मपरायण पत्नी होने के फर्ज को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से निभाया था छात्रगण। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु से गांधी जी काफी आहत हुए। इसी दौरान महात्मा गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने उसके स्थान पर प्यारे लाल को अपना सचिव रखा था। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो पूना के आगा खां महल में हुई थी। इनका समाधि स्थल कहां है, तो पूना के आगा खां महल में है, इसे भी ध्यान देना है। दूसरा आपसे पूछेगा इसी क्रम में, उसे भी छतगन आप गौर करेंगे, पूछेगा महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। महादेव देसाई की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने किसे अपना निजी सचिव बनाया था, तो प्यारे लाल को अपना निजी सचिव बनाया था। प्यारे लाल को अपना निजी सचिव बनाया था। यह भी छतगन आपको ध्यान रखना है, ये भी मनन करना है, ये भी अध्ययन करना है और एक एक चीजों को छतगन आपको याद रखना है, एक एक चीजों को गौर करना है, एक एक चीजों को स्मरण करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, है ना। नेक्स्ट आइए छतगन, हाँ नेक्स्ट वाला तीर का निशान देकर के लिख लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल की भी कर सकते हैं, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल पूना के आगा खां महल में स्थित है। पूछेगा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें प्यास से महात्मा गांधी बा कहकर पुकारते थे, क्या कहते थे छतगन, बा, है ना। पूछेगा इनका समाधि स्थल कहां है, तो पूना के आगा खां महल में है। किस आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी छतगन। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आइएगा छतगन, वायसराय की
कार्यकारिणी से 3 भारतीय सदस्यों ने, 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी से 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिनके नाम निम्न हैं। एचपी मोदी, एम अन्ने, एन सरकार, छत्तीसगढ़ क्या सवाल आएंगे, गौर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय की कार्यकारिणी से 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, इन 3 सदस्यों के क्या क्या नाम थे, है ना? छत्तीसगढ़, एचपी मोदी, एम अन्ने, एन सरकार, ये 3 सदस्यों के नाम थे। पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय की कार्यकारिणी से निम्नलिखित में से किस सदस्य ने इस्तीफा नहीं दिया था? ऑप्शन में देगा एचपी मोदी, एम अन्ने, एन सरकार, और चौथा ऑप्शन में दे देगा आपको जो है महादेव गोविंद रानाडे। तो क्या महादेव गोविंद रानाडे ने ऐसा किया था, है ना? मैंने नाम लिखाया उनका कहीं नहीं, तो आपको याद रखना होगा एचपी मोदी, एम अन्ने, एन सरकार, ये 3 ऐसे हमारे वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में छात्रगण क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, बंबई में आंदोलन का नेतृत्व, बंबई में आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली ने किया था। बंबई में आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। यह छात्रगण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई प्रमुख गतिविधियां, जिसमें आपको बलिया के चित्तू पांडे से लेकर के बंबई के अरुणा आसफ अली तक के हर घटनाक्रम को याद रखना होगा, चाहे वो प्रथम महिला उद्घोषिका, कांग्रेस के प्रथम रेडियो प्रसारण की उषा मेहता हो, चाहे वह महात्मा गांधी के द्वारा 21 दिनों का उपवास हो, चाहे महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल के द्वारा बनाई गई समानांतर सरकार सबसे लंबी अवधि की हो, चाहे उड़ीसा का तलचर नामक स्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का तामलुक हो, जिसे राष्ट्रीय सरकार कहा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हर चीज को छात्रगण आपको याद रखना होगा, तभी आपका इस चैप्टर पे कमांड हो पाएगा और तभी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नों को बना पाएंगे। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो पूना के आगा खां महल में। महादेव देसाई की मृत्यु जब हो गई, महात्मा गांधी के निजी सचिव, तो महात्मा गांधी ने उनके जगह किसे बनाया था अपना निजी सचिव? तो उनके जगह महात्मा गांधी ने किसे बनाया था छात्रगण? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने उनके स्थान पर बनाया था अपना निजी सचिव प्यारे लाल को, है ना? तो ये सारे चीजों को ध्यान दें, मनन करें, अध्ययन करें। अब हरी मनी का छात्रगण, आंदोलन के समर्थक एवं विरोधी इस तरह का चार्ट बना लेंगे छात्रगण, है ना? इधर लिखेंगे समर्थक, विरोधी, किसने किसने आंदोलन का समर्थन किया था, किसने विरोध किया था छात्रगण? चार्ट बना लिया आपने, समर्थक विरोधी। लिखिएगा नंबर 1 समर्थक में कांग्रेस, दूसरा समर्थक में लिखेंगे शिक्षित मध्यम वर्ग, तीसरा समर्थक में लिखेंगे पारसी वर्ग, पारसी, पर्शियन, है ना,
पारसी। पारसी वर्ग इन तीनों ने आंदोलन का समर्थन किया था। अब आ जाएंगे छतगन विरोधी, आंदोलन का विरोध किसने किया था, आंदोलन के विरोधी कौन थे छतगन, उसे भी जानना बहुत जरूरी है आपका। देखिएगा नंबर एक, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध करते हुए, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध करते हुए 1943 में, 1943 में बांटो और भागो, बांटो और भागो, डिवाइड एंड किट, बांटो और भागो का नारा दिया था, नारा दिया था। नंबर दो, मुस्लिम लीग ने विरोध किया, नंबर दो लिखेंगे छतगन विरोधी में, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, नंबर तीन लिखेंगे छतगन अकाली दल, अकाली दल, नंबर चार लिखेंगे छतगन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, दलित वर्ग के सर्व प्रमुख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, यह व्यक्तिगत तौर पर भी मैं लिखा रहा हूं, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना। छतगन ध्यान देंगे कौन कौन समर्थक हैं, कौन विरोधी हैं। 1857 की क्रांति में भी छतगन आपने समर्थकों और विरोधियों के बारे में जाना था, आपको भारत छोड़ो आंदोलन में भी जानना है कि किसने आंदोलन का समर्थन किया, किसने विरोधी की भूमिका अदा की थी। छतगन कांग्रेस समर्थक की भूमिका में थी, शिक्षित मध्यम वर्ग समर्थक की भूमिका में थी, पारसी वर्ग समर्थक की भूमिका में था, लेकिन विरोधियों का लिस्ट आपको लंबा मिलेगा छतगन। विरोधी ज्यादा हैं, समर्थक कम हैं। विरोधी में कौन कौन है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने तो भारत छोड़ो आंदोलन का छतगन इतना जबरदस्त विरोध किया कि सीधे एक नारा ही दे दिया, बांटो और भागो। क्या नारा दिया गया था छतगन, बांटो और भागो, डिवाइड एंड क्विट। किसने नारा दिया था, है ना, मुस्लिम लीग ने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। पूछेगा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए कौन सा प्रसिद्ध कथन कहा था अंग्रेजों को, बांटो और भागो, कब कहा था, 1943 में मुस्लिम लीग ने कहा था डिवाइड एंड क्विट, यानी कि आप हम लोगों को बांट दीजिए, है ना, और आप लोग इंडिया छोड़ के चले जाइए, बांटो और भागो का नारा दिया गया था। यह भी याद रखिएगा छतगन, यह भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। छतगन दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसे भी ध्यान दीजिएगा छतगन, मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने भी इस आंदोलन का विरोध किया। अकाली दल जो कि सिखों से संबंधित थी, उन्होंने भी इस आंदोलन का विरोध किया। हिंदू महासभा जो कि हिंदुओं की संस्था थी, इसने भी इस आंदोलन का विरोध किया। दलित वर्ग और उसके सर्वे सर्वा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी इस आंदोलन का विरोध किया। इस प्रकार से आप देखिएगा छतगन तो विरोधियों की लिस्ट लंबी मिलेगी। आपसे क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं किया था। नंबर एक अकाली दल, नंबर दो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर तीन मुस्लिम लीग, नंबर चार शिक्षित मध्यम वर्ग। क्या लगाइएगा छतगन, क्या होगा आंसर आपका, बताइए, चार।
शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में भारत छोड़ो आंदोलन में विरोधी की भूमिका अदा नहीं की थी, समर्थक बने थे वो। फिर पूछेगा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में कैसी भूमिका अदा की थी, पहला देगा आंदोलन का समर्थन किया, आंदोलन का विरोध किया, आंदोलन में तटस्थ भूमिका अदा की, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा, आंदोलन का विरोध किया, है ना, ध्यान रखिएगा। अकाली दल ने कैसी भूमिका अदा की, तो आंदोलन का विरोध किया। हिंदू महासभा ने कैसे भूमिका अदा की, तो आंदोलन का विरोध किया। दलित वर्ग ने कैसे भूमिका अदा की, तो आंदोलन का विरोध किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसे भूमिका अदा की, सीपीआई ने, तो आंदोलन का विरोध किया। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे भूमिका अदा की, तो आंदोलन का विरोध किया। हमारे महान व्यक्तित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस आंदोलन के विरोधी थे। छतगण मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे भूमिका अदा की, तो इन्होंने भी आंदोलन का विरोध किया था। ये सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस चार्ट को छात्रगण सत्तू की तरह घोल करके अपने WBC RBC में दौड़ा देना है। और पीछे जो शरीर ब्रह्म है जहां पे मेमोरी चिप होता है, वहां पे भी क्विक से छात्रगण चिपका देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, पहली निगाहें आपकी होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसलिए इसको ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को अध्ययन करेंगे। छात्रगण गौर करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम या अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, छात्रगण भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक्स होंगी राजा जी फार्मूला, है ना। दूसरी टॉपिक होगी छात्रगण शिमला सम्मेलन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, इस तरह के कई इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आपके सामने आएंगी। यानी अब हम लोग स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जल्द ही हम लोग आजादी का सूरज देखेंगे और जल्द ही भारत माता को छात्रगण आजाद करा करके ही दम लेंगे। तो अगली कक्षाओं में पुनः इसी जोशो खरोस ऊर्जा सकारात्मक सोच के साथ, जज्बे और जुनून के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी छात्रगण। तब तक के लिए आप लोगों को हृदय से शुभ आशीर्वाद, हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद।